नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे पास वन प्लस पैड गो। देखिए ये दोस्तों, मैंने इसको फ्लिपकार्ट की जो सेल चल रही है अभी उसमें से मैंने इसको परचेस किया था। और दोस्तों मैंने इसको काफ़ी अच्छे की मतलब परचेस किया है, तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह नहीं दिखाने वाला क्योंकि अनबॉक्सिंग में कुछ होता नहीं है। ये टैबलेट निकलेगी और एक चार्जर निकलेगा, बाकी कुछ नहीं है। बस मैं आपको डायरेक्ट इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपको ये ईयरबड्स, ये दोस्तों सॉरी, ये जो पैड है, टैबलेट है, ये आपको लेना चाहिए या फिर किसी और टैबलेट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो टैबलेट है वन प्लस की तरफ से दोस्तों हमें 20,000 के अंदर देखने को मिल जाती है। दोस्तों ये जो टैबलेट है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके साइज़ की। तो दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले है, जैसे कि आप देख सकते हो, देखिए इसकी दोस्तों जो डिस्प्ले है ये दोस्तों 11.35 इंच की। एक मिनट पहले इसका रोटेट ठीक कर दूं। देखिए ये आप देख सकते हो, यहाँ से इस तरीके से यहाँ यहाँ नापोगे तो ये 11.35 इंच की डिस्प्ले है, और जो कि दोस्तों ये LCD डिस्प्ले है। और ज़्यादा दोस्तों आपको टैबलेट में LCD ही पैनल देखने को मिलता है इस रेंज के अंदर। अगर आपको AMOLED चाहिए तो फिर आपको दोस्तों 50,000 से ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से दोस्तों LCD पैनल काफ़ी अच्छा पैनल होता है। आप देख सकते हो इसके व्यूइंग एंगल कितने अच्छे हैं, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। और इसकी इंटरफेस की बात करूँ तो आप देख सकते हो सेम वन प्लस के जो फ़ोन होते हैं सेम वैसा ही है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है वन प्लस का दोस्तों एंड्रॉयड 14 और प्लस दोस्तों वन प्लस का सॉफ्टवेयर जो है वो मिलता है आपको कलर OS 14 वाला कलर मिलता है। एक मिनट दोस्तों, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए ऑक्सीजन OS 14 वाला, तो दोस्तों ये आपको इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों इसके मैं स्पीकर की बात करता हूँ आपसे, तो इसमें दोस्तों आपको मिलता है क्वाड स्पीकर, यानी दोस्तों चार स्पीकर देखने को मिलते हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, एक जीरा एक दो ही हो गए और दो दोस्तों इस साइड में है, यानी दोनों तरफ दोस्तों आपको दो दो स्पीकर देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको डॉल्बी इफेक्ट देखने को मिलता है, तो जो साउंड होता है दोस्तों आपको चारों तरफ सुनाई देता है, ऐसा लगता है कमरे के अंदर दोस्तों साउंड गूंज रहा है। तो दोस्तों ये साउंड के मामले में काफ़ी अच्छी है। और इसकी मेमोरी की बात करूँ तो ये है दोस्तों मेरे पास 8GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट, और ये सिर्फ वाईफाई वाला है, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों टैबलेट वाईफाई ही यूज़ करते हैं, सिम ज़्यादातर लोग यूज ही नहीं करते, क्योंकि सबको अपना एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, जो कि दोस्तों वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद हो जाता है। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर मिलती है दोस्तों हमें 8000 mAh की दोस्तों ये बड़ी बैटरी, जिसके साथ आपको 33W का एक फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जिससे दोस्तों आपको ये टैबलेट है काफ़ी जल्दी चार्ज देखने को मिल जाती है। और इसका बैटरी बैकअप की बात करूँ तो अगर आपका काफ़ी नॉर्मल यूज है, जैसे दोस्तों आप इसको यूज़ कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, तब जो दोस्तों आपको 1.5 से 2 दिन का बैकअप दे देती है। अगर आप ये काफ़ी हैवी यूज कर रहे हो, आप इसको छोड़ ही नहीं रहे हो कभी गेमिंग, कभी वीडियो, कभी यूट्यूब, कभी कुछ, तब दोस्तों ये आपको 10 से 11 घंटे का बैकअप देखने को दे देगी। और ये दोस्तों टैबलेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा बैकअप है, इतना हैवी यूज करने के बाद भी आपको 9 से 10 घंटे का बैकअप मिल रहा है, तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। और चार्ज भी दोस्तों ये काफ़ी फास्ट हो जाती है, तो उस मामले में ये काफ़ी बढ़िया टैबलेट है। अब दोस्तों मैं इसकी बात करता हूँ वर्जन की, कि दोस्तों इसमें और दूसरा कोई वर्जन आता है आपको बोलना चाहिए नहीं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इसके 8GB और 128GB वाले वेरियंट की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा ऊपर का लेना कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद सौदा नहीं है, क्योंकि 128GB टैबलेट की काफ़ी अच्छी होती है। अगर आपको और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो दोस्तों आप पेन ड्राइव कैरी कर सकते हो साथ में, वो दोस्तों ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा स्टोर लेना कोई फ़ायदा है नहीं, आपके पैसे एक्स्ट्रा फालतू जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ होता है इस टैबलेट के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं इस कैमरा की,
जैसा कि आपने देखा है इसमें दोस्तों आपको कैमरा भी देखने को मिलता है साइड में, एक पीछे और एक आगे। दोस्तों मैं कैमरा की बात करता हूँ तो दोस्तों इसका जो कैमरा है बैग में, यहाँ पे देखिए एक कैमरा आपको यहाँ पीछे मिलता है दे रहा, और एक कैमरा दोस्तों आपको फ्रंट में मिलता है सेल्फी कैमरा। दोस्तों आपको जो बैक कैमरा है उसका इतना टैबलेट के अंदर इतना यूज होता नहीं है, क्योंकि टैबलेट के अंदर दोस्तों ज़्यादातर लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं व्हाट्सएप वगैरह से, जिसमें आपको इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है पीछे के कैमरे की, सामने का कैमरा दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैं इसको कैमरे के साइज़ की बात करूँ तो इसका जो फ्रंट कैमरा है ये वाला जो मिलता है दोस्तों आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और जो बैक कैमरा है दोस्तों वो भी इसका 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा है, और बैक कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का ही है। तो आपको इसमें 8-8 मेगापिक्सल का दो कैमरा मिल जाते हैं। और दोस्तों ये पार्ट आप देख रहे हो ये मेटल है पूरा, ये प्लास्टिक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये पूरा अलग डिजाइन दिया गया है मेटल प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन, जो देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। और यहाँ पे आपको वन प्लस की ब्रांडिंग दी गई है, और ये दोस्तों स्टिकर है जो इस पे लगाए होते हैं अलग के आते हैं कंपनी की तरफ से। तो कैमरे के मामले में भी दोस्तों ये काफ़ी अच्छा टैबलेट है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे कैमरा देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है क्वाड स्पीकर के साथ में। तो दोस्तों जी काफ़ी अच्छी टैबलेट है। अब मैं इसके बात करता हूँ इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर मिलता है दोस्तों आपको हीलियो का G99 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा प्रोसेसर तो नहीं है पर ठीक ठाक है। अगर आप ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते हो, आप नॉर्मल गेमिंग कर रहे हो, मतलब गेमिंग हैवी वाली कर रहे हो बट ज़्यादा टाइम नहीं कर यू ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आपको ये टैबलेट बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा अगर आप ज़्यादा टाइम का गेमिंग नहीं करते हो तो। भाई 2-3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा कर ली या फिर आपने इसको रेस्ट दे दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आप इसमें कंटिन्यू गेमिंग कर रहे हो, आपको गेमिंग के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, गेमिंग, तब कहीं जाके दोस्तों ये थोड़ा आपको लैग या हीटिंग दिखा सकता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है G99 जी पावरफुल तो है पर उतना नहीं है जितना कि आप जो स्नैपड्रैगन वाले होते हैं उस टाइप से आपको परफॉर्मेंस दे दे। अब दोस्तों बात करता हूँ इसके प्राइस की, तो दोस्तों मैंने तो इसको लिया था 15,000 रुपये में, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि उस टाइम पे सेल में जो 15 के आसपास मिल रहा था कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद। बट अभी इसकी जो प्राइस दोस्तों अमेजोन पर क्या है जी दोस्तों एक्चुअल में 2,500 रुपये इसकी एक्स्ट्रा वही मैं आपको देख के बताता हूँ जी। अभी दोस्तों आपको मिल रहा है 16,000 रुपये का, 18,000 रुपये इसकी प्राइस कर दी गई है, और 2,000 रुपये का SBI का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट है, तो जी आपको 16,000 का मिल जाएगा। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा टैबलेट है और टैबलेट जो होते हैं उनके कंपेरिजन में इस रेट के अंदर। और अगर आप इसको थोड़ा और अच्छा टैबलेट चाहते हो कि आप इससे थोड़ा और बेटर टैबलेट ले सकते हो लेकिन वन प्लस का ही हो, तो फिर मैं बोलूँगा आप दोस्तों वन प्लस पैड की तरफ जा सकते हो, जो कि दोस्तों आपको करीब 24-25 हज़ार के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो पेन होता है उसका भी सपोर्ट है, जो दोस्तों पाम रिएक्शन सपोर्ट करता है, जैसे कि आप हथेली रख के पेन यूज करते हो इस तरीके से, तो वो वाले सपोर्ट उसके अंदर देखने को मिलता है जो कि इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। अगर आपको टाइप राइटिंग का शौक ज़्यादा है, राइटिंग का काम ज़्यादा है, तब आप इसके जा सकते हो, नहीं तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट टैबलेट है 16,000 रुपये में दोस्तों, काफ़ी मस्त है। और अगर आपको हैवी गेमिंग के लिए चाहिए, सिर्फ आपको गेमिंग ही करनी है, आपको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ गेमिंग ही करनी है, तब दोस्तों आप सोमी का जो पैड 6 है आप उसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन का जो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देखकर काफ़ी जानकारी मिली होगी, आपको समझ में आ चुका होगा कि ये पैड आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। और इसका बॉक्स वगैरह दोस्तों जो अनबॉक्सिंग के जो सिस्टम होता है वो मैंने इसलिए नहीं किया, क्योंकि इसका अनबॉक्सिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं था, मुझे सिर्फ इसके फीचर्स और स्पेक्स बताने थे जो कि दोस्तों मैंने आपको बता दिए। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।